गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मनी फॉर मी इक्विटी सर्विसेज। अगेन टुडे इज वीकेंड एंड इस वीकेंड पे भी हम हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का कमिंग वीक के लिए क्या व्यू रहेगा ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। प्लस जो निफ्टी का हैवीवेट स्टॉक है रिलायंस, तो उसका डायरेक्शन क्या है और वो मार्केट को कहाँ लेके जा सकता है। प्लस HDFC बैंक जो बैंक निफ्टी का हैवीवेट स्टॉक है उसका डायरेक्शन क्या है और वो बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट ला सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर गाइस आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो और वीडियो को देख रहे हो सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मनी फॉर मी इक्विटी सर्विसेज। यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के स्टॉक भी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और शॉर्ट्स हम यहाँ पे लाइव मार्केट में भी डालते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के एनालिसिस पे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस निफ्टी 50। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने एक डेली चार्ट खोला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तब एक फॉलिंग वेज बना रहा था, यहाँ पे फॉलिंग वेज एंड यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया भी और मार्केट ने ये जो एक प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था इसको ब्रेक किया और नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बना दिया, दैट इज अराउंड 20,200 के आसपास। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे अगर हम रैली देखे तो ये एक सडन रैली है, वन साइड रैली है और कभी भी कोई भी शेयर प्राइस के अंदर या फिर मार्केट के अंदर वन साइड रैली जब भी आता है सो इट इज ऑलवेज हार्मफुल क्योंकि यहाँ पे सब पीपल ऑल पीपल वर बुलिश, सब खरीद रहे, बेचने वाले बहुत ही कम है, सो एवरीवन इज हैप्पी बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप। तो जिस तरह वो ऊपर जा रहा है उसी तरह वो नीचे भी आता है, यहाँ पे मार्केट ने हमें दिखा दिया और सिखा भी दिया। सो मार्केट यहाँ पे करेक्ट भी हुआ है बट राइट नाउ मार्केट एक सपोर्ट के पास है। सो यहाँ से एक मैंने लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क किया है, सो मार्केट ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास भी है प्लस ये जो टॉप है इट विल वर्क लाइक अ सपोर्ट नाउ। सो करंट लेवल्स आर अराउंड 19,700, तो 19,700 ये सपोर्ट की तरह वर्कआउट करना चाहिए मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है सो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड इन द कमिंग वीक, आने वाले वीक में अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है सो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, बट कमिंग वीक के लिए मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 19,600, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है सो वी कैन सी फॉल अप टू 19,200, सो 19,200 तक यहाँ पे हम फॉल देख सकते हैं एंड अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है सो मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट सडन रैली नहीं दिखाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली या फिर यहाँ पे जिगजैग भी कर सकता है एंड देन ऊपर जा सकता है, सो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है बट राइट नाउ इट इज नियर सपोर्ट सो वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। नाउ रिलायंस की बात करते हैं गाइस, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये हेवी वेट स्टॉक है निफ्टी 50 का। सो अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बोलने से अच्छा हूँ मैं हफ्तों से बोलूंगा, यहाँ पे हम रिलायंस का अगर ट्रेंड देखें तो यहाँ पे रिलायंस ने एक हाई बनाया दैट इज अराउंड 2650 के आसपास और वहां से रिलायंस ने एक लोअर लो लोअर हाई। तो ये करंट वीक में रिलायंस ने उसका लोअर लो कंप्लीट किया है और वो एक सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे आया, सपोर्ट एरिया के आसपास आया। सो नाउ निफ्टी का जो हेवी वेट स्टॉक है रिलायंस वो एक सपोर्ट जोन के आसपास है, सो कैन वी एक्सपेक्ट सम बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, सो आई थिंक यस। सो अगर रिलायंस बाउंस करेगा सो वो निफ्टी 50 को भी बाउंस करवाएगा, ठीक है, सपोर्ट लेवल। तो मार्केट भी सपोर्ट के पास है और मार्केट का हैवीवेट स्टॉक भी सपोर्ट के पास ही है बट ये ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है सो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि यहाँ पे ये जो बाउंस है वो टिकेगा, सो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, वो एक दो दिन की बात नहीं है, वहां पे ट्रेंड चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है सो यहाँ पे बोल नहीं सकते। सो बाउंस तो एक्सपेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे निफ्टी 50 में भी मुझे बाउंस एक्सपेक्ट है। सो रिलायंस का कमिंग वीक का सपोर्ट निकल रहा है मेरा इंपॉर्टेंट 2340, ये मेरा अच्छा खासा सपोर्ट निकल रहा है और मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ सो शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2360 एंड मेजर वाला सपोर्ट है दैट इज 2400। सो बाउंस अगर आता है सो 2400 तक यहाँ पे रिलायंस के अंदर बाउंस आ सकता है, ठीक है, करंट लेवल से मतलब 50 रुपए का बाउंस यहाँ पे आ सकता है। नाउ कम टू दी बैंक निफ्टी, सो
तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, सो अगेन बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैंने लंबा ट्रेंड लाइन खींचा है, ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे जो प्रीवियस लाइफ टाइम आया था उसके आसपास ही टॉप बनाया और वहां से नीचे आया। बट अगेन सेम सीनारियो, सडन रैली एंड सडन फॉल। सो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे दिखा दिया कि जैसे सडन रैली आता है इट इज ऑलवेज हार्मफुल, वैसे यहाँ पे सडन फॉल भी आया। बट अगर लास्ट कैंडल हम देखें बैंक निफ्टी का, सो इट वॉज लुक लाइक अ इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर नियर सपोर्ट, सो दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल कैंडल। मेरे पढ़ाई के हिसाब से ये न्यूट्रल कैंडल होगा, राइट। सो कमिंग वीक में यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन है, दैट इज अराउंड 44,500 मेरा अच्छा खासा सपोर्ट निकल रहा है कमिंग वीक के लिए। एंड देन यहाँ से हम बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड अब अगर हम यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देखें, HDFC बैंक, सो HDFC बैंक सेम बहुत लंबे सीनारियों से अगर हम देखें, सो HDFC बैंक एक न्यूट्रल जोन में ही ट्रेड कर रहा है और अगेन वो जोन के लोअर एंड पे आ चुका है ये सपोर्ट के पास। सो अगेन लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, तो यहाँ से लोअर हाई बनाने के लिए HDFC बैंक भी ऊपर जा सकता है। सो अगेन बैंक निफ्टी इज ऑल्सो नियर सपोर्ट एंड उसका हैवी वेट स्टॉक जो है HDFC बैंक वो भी सपोर्ट के पास ही है। सो यहाँ से अगर बाउंस आता है सो HDFC बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स रेजिस्टेंस की बात करें, सो रेजिस्टेंस लेवल मेरा निकल रहा है 45,000 कमिंग वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा जो ये वीक का भी हाई बना रहा है। एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 44,500, ये मेरा कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ से हम अच्छे खासे फॉल देख सकते हैं, ठीक है, अप टू दिस लेवल, दिस लेवल और दिस लेवल, दैट इज 43,700, ये लेवल तक यहाँ पे हम फॉल देख सकते हैं। बट यहाँ पे इतना फॉल आया है तो मार्केट एक तो सस्टेन करेगा या फिर जो हमने दो हैवीवेट स्टॉक देखे रिलायंस एंड HDFC बैंक उसके बेसिस पे यहाँ से मार्केट पुल बैक दे सकते हैं, नॉट अ अप ट्रेंड, पुल बैक बोल रहा हूँ मैं, पुल बैक दे सकते हैं। अगर वहाँ पे वो टिकते हैं, ट्रेंड चेंज होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, बट नहीं तो यहाँ से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो गाइस ये हमारा आने वाले वीक के लिए निफ्टी 50 का व्यू था एंड बैंक निफ्टी का व्यू था। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो ये लेवल्स आपको हेल्पफुल रहेंगे, बट आप स्टॉक ट्रेडर हो और वो भी शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स हो, सो अभी फिलहाल आपको मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से शिफ्ट होकर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में शिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट थोड़ा पैनिक में है। मार्केट ने ये जो 3-4 दिन में सडन रैली दिखाया उससे मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैनिकनेस बढ़ चुका है, सो यहाँ पे आपका SL हिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो आपको लार्ज कैप में स्टिक रहना पड़ेगा जब तक मार्केट ट्रेंड अप साइड में पकड़ नहीं लेता है तब तक। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, सो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। प्लस गाइज ये जो भी लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इट इज ओनली फॉर अ स्टडी पर्पज, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सो आपको आपका ओन व्यू भी यहाँ पे ऐड करना है, देन आपको जाके वहाँ पे ट्रेड लेना है। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।